अब 84 वैष्णवन की वार्ता श्री गोकुलनाथ जी प्रकट किए ताको भाव श्री हरि राय जी कहते हैं। श्री हरि राय जी कृत भाव प्रकाश दामोदर दास हरसानी वार्ता प्रसंग 4। बहुरी एक समय श्री गुसाई जी बैठक में बैठे हते। द्वे चार वैष्णव कुंभन दास गोविंद दास आदि एकांत हंसीवे खेलिवे के लिए पास बैठे हते। आपो उनसो हसत खेलत मस्करी करत बहुत ही प्रसन्नता में खेल की वार्ता करत हते। ता समय दामोदर दास तहां आए। तब श्री गुसाई जी बहुत आदर सम्मान किए। पाछे दामोदर दास तहां आए के दंडवत करी के बैठे। तब श्री गुसाई जी सो दामोदर दास ने कहियो, जो महाराज अपनो मार्ग निश्चिंतता को नहीं, यह मार्ग है सो तो अत्यंत कष्ट आतुरता को है, दुहक को है। तब श्री गुसाई जी कहे, जो तुम धन्य हो, सांची कहत हो, परी हमको जब श्री आचार्य जी की कृपा होगी तब कष्ट आतुरता होगी। यह मार्ग तो श्री आचार्य जी के अनुग्रह बिना न होई। तब दामोदर दास दंडवत किए और कहें, जो हमको राजसो एक बेर बिनती करनी सो करी, पाछे आप प्रभु हो भली जानोगे सो करोगे, पर यह मार्ग तो या भांति को है। तब श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये और कहें, जो हमको यह वार्ता श्री आचार्य जी महाप्रभु तुम द्वारा कहे, जो तुम न कहोगे तो और कौन कहेगो। तुमको देखत है तब चित्त अति प्रसन्न होत है, ताते सुखेन कहो। आप सारिखे श्री आचार्य जी के सेवक जाने के कहत हैं। पाछे दामोदर दास की शिक्षा अंगीकार करत भये। ताते बड़े सो बड़े भाव प्रकाश, यह लोकरीति सो विरुद्ध है, जो सेवक स्वामी सो शिक्षा करें। यह संदेह हो तहां कहत हैं, दामोदर दास ललिता रूप हैं, सो श्रीचंद्रावली जी हाय, श्री गुसाई जी को परकिया रस भाव है। परकिया रस में प्रीति बहुत हैं, अष्ट प्रहर चित्त प्यारे सो लग्यो रहत है, सो जार भाव को प्रकार दिखाए, जो और के संग हासी कैसी। तथा दामोदर दास की देह मात्र दीसत है, परंतु श्री आचार्य जी को आवेश अष्ट प्रहर रहत है। जो मुख सो श्री आचार्य जी बोलत हैं, ताते श्री गुसाई जी कहत हैं, जो हमको यह वार्ता श्री आचार्य जी महाप्रभु द्वारा कहे, यह चैनल गौशाला हेतु कार्य करती है, यह वार्ता जी पसंद आवे सो अन्य वैष्णवन को भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। आपका सब्सक्राइब और शेयर हमारे पुष्टि कीर्तन चैनल को और अधिक लोकप्रिय बना देगा। वल्लभाधीश की जय। भाव से बोलो वल्लभाधीश की जय। वल्लभ कुल को पुष्टि कीर्तन परिवार की ओर से दंडवत प्रणाम और वैष्णवन को जय श्री कृष्ण।